तो स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे बताओ? लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ये सब पढ़ रहे थे हम लोग रियल एनालिसिस का। ठीक है, साउंड आ रहा है सबको? ओके ओके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, एक सेकेंड बस रुक जाना। अपर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सुप्रीमम इन्फिमम। ठीक है, सुप्रीमम इन्फिमम वैसे कल पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखेंगे सुप्रीमम का क्या होता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस्ड पे। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सुप्रीमम क्या होता है, जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है। ठीक है, मतलब अपर बाउंड जो होता है उनमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, जो सुप्रीमम है हमारा वो क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं सुप्रीमम को, और इसका ही मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी अपर बाउंड। ठीक है, ऑल दी अपर बाउंड। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, किस किस को दिक्कत हो रहा है? हो रहा है, देखो हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या प्रॉब्लम, अपडेट वगैरह करके देखो। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड। इसी तरीके से इन्फिमम क्या हो जाएगा? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए ज्यादा इसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन्फिमम हो जाता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब हम सारा लोअर बाउंड निकालेंगे, उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ? जितने भी लोअर बाउंड हम निकाल रहे हैं, जितने भी लोअर बाउंड निकाल रहे हैं उसका मैक्सिमम। सो मैक्सिमम ऑफ ऑल लोअर बाउंड। ठीक है, देखो देखते चले जाओ, धीरे धीरे क्या होगा, कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा और इतना बिल्ड हो जाएगा कि हम क्वेश्चंस करने के लिए बहुत रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके देखते रहो और सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब अगर कोई मैक्सिमम है, मैक्सिमम एलिमेंट किसको कहते हैं पता है? मैक्सिमम एलिमेंट किसको कहते हैं या मिनिमम एलिमेंट किसको कहते हैं? एक सेट के अंदर में जो मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं, मतलब सपोज ए इज अ सेट, ए इज सेड टू बी द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए कैपिटल ए, इफ ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक्स इज लेस और इक्वल्स टू स्मॉल ए। ओके, तो मैं बस बता देता हूँ आपने भी क्या कहा। आपने कहा कि एक्स को बिलोंग करना चाहिए ए में अगर एक्स अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, एक्स इज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, और अगर वो सेट के अंदर है, लीस्ट अपर बाउंड, और अगर वो सेट के अंदर है एक्स, तो वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? जो लोअर ग्रेटेस्ट, जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, अगर वो सेट के अंदर होगा। ठीक है, कोई भी सेट ए है उसका मिनिमम एलिमेंट बोलेंगे एक्स को, मिनिमम एलिमेंट बोलेंगे एक्स को, अगर क्या होगा, अगर एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उस सेट के अंदर होना पड़ेगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा सुप्रीमम जो ए का है वो अगर ए में बिलोंग कर गया, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे सुप्रीमम क्या था? एक्स था। ठीक है, एक्स था सुप्रीमम, तो इसी एक्स को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारा इन्फिमम जो है, ठीक है, मान लो एक्स जो है वो इन्फिमम है, या वाई कर लो यहाँ पे,
वाई। तो वाई अगर हमारे पास इन्फिमम ऑफ ए है और अगर ए में बिलोंग करता है, तब हम क्या कहेंगे वाई को? वाई इज द क्या होगा बताओ? मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? मतलब मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा, इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि सुप्रीमम ए का या इन्फिमम ए का जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर उसमें हो, ए में हो। ठीक है, और एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता कभी कभी। तो एक ऐसा सेट बताओ जिसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल नंबर का सेट। गुड, सो नेचुरल नंबर का सेट जिसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, रैशनल आर। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेट्स हैं हमारे पास जिसका सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर कोई सेट सर एन का इन्फिमम तो एग्जिस्ट करता है, हाँ इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी जी, तो ये इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर कोई सेट देखो, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव नहीं हुआ, बाउंडेड अबव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। बताओ अगर कोई सेट बाउंडेड अबव नहीं है तो हम क्या कह देंगे कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है? किसी भी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। ठीक है, अगर किसी सेट बाउंडेड बिलो नहीं है तो क्या कहेंगे? बाउंडेड बिलो ही नहीं है, इसका मतलब उसका इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब इन्फिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर सेट बाउंडेड अबव है तो क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव है कोई सेट, इसका मतलब क्या है? सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि सेट है सुप्रीमम, इसका मतलब उसके पास क्या होगा? सुप्रीमम होगा। और इसी तरीके से अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है इसका मतलब क्या होगा? अगर वो बाउंडेड बिलो है तो पक्का उसका क्या होगा? इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, तो सेट हैज इन्फिमम। बताओ इनको समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर अगर बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी तो क्या होता है? ए प्लस बी का सुप्रीमम और इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी, दो कोई सेट है ए और बी, और अगर हम निकालना चाहते हैं ए प्लस बी का सुप्रीमम और ए प्लस बी का इन्फिमम, तो क्या होगा? सर ए प्लस बी का सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। जी जी, नहीं यहाँ पे ये सेट ए प्लस बी ही है ना। देखो ए प्लस बी कैसे डिफाइन होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में और वाई बिलोंग करना चाहिए बी में। ठीक है, तो अगर हम ए का सुप्रीमम ले लें और बी का सुप्रीमम ले लें और उन दोनों को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हमको सुप्रीमम चाहिए सेट का एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड वाई बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। समझ पा रहे हो? एक्स प्लस वाई क्या है? एलिमेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सुप्रीमम ऑफ एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ वाई। बस देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम अगर हमको निकालना है ए प्लस बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम ऑफ एक्स क्या डिनोट करता है? सुप्रीमम ऑफ ए, और सुप्रीमम ऑफ वाई क्या डिनोट करेगा? सुप्रीमम ऑफ वाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी को सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। बताओ किसी को दिक्कत है तो? और ठीक इसी तरीके से अगर इन्फिमम निकालना होगा तुम्हें, इन्फिमम ऑफ ए प्लस बी अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन्फिमम ऑफ एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए वाई बिलोंगिंग्स टू बी। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इन्फिमम ऑफ ए सॉरी इन्फिमम ऑफ एक्स
प्लस इनफिमम ऑफ वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. तो ये क्या कहला जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, इनफिमम ऑफ ए हो जाएगा एंड प्लस इनफिमम ऑफ बी हो जाएगा. बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो. हेलो सर. हाँ बताइए सर. ये तो इक्वल तभी होती है सर, बुक में मैंने पढ़ा है. तो सर जब बाउंडेड होती है तभी होती है ना सर. जब बाउंडेड होती है तभी होती है. ऊपर देखो क्या लिखा है मैंने, अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. देखो ये बात, तो अगर कोई सेट अगर बाउंडेड नहीं है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसकी बात नहीं करेंगे. ओके सर. ओके देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं. सेट है अगर मान लो a माइनस बी भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, x प्लस ऑफ माइनस वाई, x प्लस ऑफ माइनस वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. तो अगर निकालना पड़े हमें, अगर हमें निकालना पड़े सुप्रीमम ऑफ a माइनस बी, तो ये क्या होगा बताओ, सुप्रीमम ऑफ a माइनस इनफिमम ऑफ b. गुड गुड गुड. सुप्रीमम ऑफ ए माइनस, देखो जो बी का एलिमेंट है ना उसका सुप्रीमम को खोजना है, तो बी का एलिमेंट का सुप्रीमम है उसका नेगेटिव का सुप्रीमम खोजेंगे, मतलब उसका इन जो इनफिमम है उसका नेगेटिव करना. किसको किसको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? और अगर इनफिमम ऑफ ए माइनस बी है तो क्या बोलेंगे बताओ? इनफिमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी. गुड गुड. इनफिमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी. ठीक है सर, एक क्वेश्चन हमारा इसी से ही, मतलब सुप्री इससे ही, अगर हम सेट ए को ले लें, ए बराबर मैंने दे दिया क्लोज इंटरवल 0 कॉमा के बन, और सेट बी ले, मुझे लिखने दीजिए, मुझे लिखने दीजिए, ए बराबर क्या ले लें, क्लोज इंटरवल 0 कॉमा के बन. हां ठीक है आगे. और सेट बी ले लिया मैंने -2 कॉमा माइनस, मतलब क्लोज इंटरवल -2 कॉमा -1 माइनस वन. ओके जी ठीक है. हाँ सर, हम इसे फिर इसे कैसे वेरीफाई करेंगे उसी फॉर्मूले से? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, बस फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी. ठीक है जी जी सर. बताइए सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, अभी ए प्लस बी हम लिख रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, आपका ये सेट 0, 1 एंड प्लस -2, -1. ठीक है, तो जो एलिमेंट ऐड होगा तो वो ऐसे ऐसे ऐड होता जाएगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, 0, 1 है यहाँ पे, 0, 1 है ये पूरा आपने इंटरवल ले लिया, तो एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक एलिमेंट आएगा -2, -1 से और ऐड होता जाएगा. ठीक है, मतलब ये इसमें ऐड होता जाएगा. कैसे ऐड हो रहा है, x कंसिडर करेंगे कहाँ से, 0, 1 से, और y कंसिडर करेंगे कहाँ से, -2, -1 से. ठीक है, तो इन दोनों का सुप्रीमम निकालिए, इन दोनों का सुप्रीमम निकालिए. इसका सुप्रीमम क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा इसका, और इसका सुप्रीमम क्या है बताइए, -1 है, -1 हो जाएगा, -1 है, तो क्या हो जाएगा बताइए आंसर, 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा. तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 1+1 पे ही आएगा, सॉरी 1 - 1 + -1 पे ही आएगा मैक्सिमम वैल्यू, उससे नहीं आएगा, उससे में नहीं आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा. तो सुप्रीमम ए प्लस बी क्या हो गया, 0. इसी तरीके से आप सुप्रीम ऑफ ए माइनस बी भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था क्या, कि जहां माइनस होता है उसको इनफिमम कर देंगे थे. ठीक है, माइनस के साथ, तो आप यहां से चेक कर सकते हो. अगर 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 मान लो पूछा जाए कि सुप्रीमम ऑफ के ए क्या होगा, के कोई कांस्टेंट है, ए कोई हमारा सेट है, k is any constant, ठीक है, k into supremum of a, okay, k into supremum of a, k if k is greater than 0, good, k greater than 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, लेकिन अगर less than equal to 0 है फिर क्या करेंगे, तो सर वहां मोड लगा लेंगे सर हम k पे, जब इनफिमम हो जाएगा सर, k into infimum of a, k into infimum of a हो जाएगा. ठीक है,
क्योंकि आपने इसको नेगेटिव कर दिया ना, नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, आपका दिक्कत हो जाएगा, सुप्रीमम ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा। माइनस मान लीजिए कोई सेट है 2 और 5, तो अभी के ए चाहिए हमको, के मान लीजिए मैंने ले लिया -1, तो ये सेट कैसा बन गया, ये सेट बन गया हमारा -5, -2, समझ पा रहे हैं? तो कैसा बन जाएगा, माइनस ऑफ इनफिमम ऑफ ए बन जाएगा, -2 बन जाएगा, तो सुप्रीमम क्या है -2। बताइए किसी को डाउट है? सबसेट का देख लेते हैं, सबसेट का देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए जो सबसेट ऑफ बी, बहुत इजी है, तो सुप्रीमम ए क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम बी होगा, ठीक है। और इनफिमम क्या होगा, इनफिमम ए क्या होगा, हमेशा हाँ ऐसे हो जाएगा, yes. ठीक है, ओके। यूनियन देख लेते हैं, अगर अगर सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो देखो ए यूनियन बी कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट यूज करना है कि अगर कोई सेट एक्स में गया, ठीक है, कोई सेट एक्स में गया, तो एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है, एक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो जब भी हम सुप्रीमम निकालेंगे, जब भी हम सुप्रीमम निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो वो सुप्रीमम या तो ए से आएगा या तो बी से आएगा, ठीक है। जब भी हम सुप्रीमम निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो वो सुप्रीमम कहाँ से आएगा, या तो ए से आएगा या तो बी से आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उन दोनों में, उन दोनों सेट में से किसी एक सेट में होगा सुप्रीमम, तो मतलब इन दोनों का सुप्रीमम निकाल लो और जो मैक्सिमम होगा इन दोनों से वही होगा, समझ पा रहे हो, जो मैक्सिमम होगा वही हो पाएगा। ए को निकाल लेंगे, बी को निकाल लेंगे, और जो मैक्सिमम होगा वही इसका सुप्रीमम होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। और अगर इनफिमम निकालना होता है हमको ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का कैसे इनफिमम निकालेंगे, वो जो इनफिमम एलिमेंट आएगा वो या तो ए से आएगा या फिर बी से आएगा, तो दोनों का इनफिमम निकालेंगे और जो मिनिमम होगा दोनों में वो इनफिमम ए यूनियन बी का हो जाएगा, ठीक है, गुड। मिनिमम ऑफ इनफिमम ऑफ ए एंड इनफिमम ऑफ बी, ठीक है। ध्यान से देख ले रहे ना, क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। अभी सब कुछ समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन है जो कि आया है, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। ओके, एक सेट डिफाइन किया है ए एप्सिलॉन, ये सेट डिफाइन किया है बी द ओपन इंटरवल, बी द ओपन इंटरवल 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है। पहला पूछ रहा है कि सुप्रीमम जो होगा वो ए एप्सिलॉन का, ठीक है, जब हम 0 से less than epsilon less than half करेंगे तो less than 1 होगा। बी पूछ रहे हैं कि 0 is less than epsilon 1 less than epsilon 2 less than half, तो जो इनफिमम होगा ए एप्सिलॉन 1 का हमेशा लेस देन होगा इनफिमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 से। सोचना स्टार्ट कर दो कैसे बनेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने बना रखा होगा, सो लॉजिक हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लॉजिक से सॉल्व हो रहा है। और डी नंबर है हमारे पास कि सुप्रीमम ए इंटरसेक्शन ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू इज सेम एज सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऑफ आर ओवर क्यू।
क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, आर सेट है रियल नंबर का, क्यू सेट है रैशनल नंबर का, ए सी डी, ठीक है? और लोग ट्राई करके बताओ क्या हो सकते हैं। ए एप्सिलॉन जो है वो डिफाइन किया है ओपन इंटरवल 0, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है? 1 माइनस एप्सिलॉन मतलब 0 से लेकर के 1 माइनस एप्सिलॉन तक है। अभी इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ओके, सी डी, ए सी डी, और क्या क्या ऑप्शन है? देखने से लगेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं इतना। अगर तुम पेन चलाओगे तो बन जाएगा तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। चलो देखो क्या कर सकते हैं। हमें दे रखा है ए एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है? देखो एक ऑप्शन आया ए और सी, ये दे रखा है 0, 1 माइनस एप्सिलॉन। अभी देखो गौर से, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन है, और कह रहा है कि एप्सिलॉन जो है अगर वो 0 से लेकर के हाफ में होगा तो सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है? अगर 0 से लेकर के हाफ में होगा तो सुप्रीमम क्या होगा? तो 1 माइनस, देखो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम हमेशा 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। क्या होगा सुप्रीमम इसका? 1, यस सर, हमेशा इसका सुप्रीमम 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। अभी किस पे डिपेंड करेगा? अभी डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। तो जब हमको 1 माइनस समथिंग का निकालना है सुप्रीमम, तो एप्सिलॉन अगर हम स्मॉल ले लेंगे तो अभी हमको सुप्रीमम मिलेगा। एप्सिलॉन बड़ा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कम हो जाएगा ना। वैल्यू हमको ज्यादा चाहिए, वैल्यू ज्यादा चाहिए तो एप्सिलॉन को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे छोटा वैल्यू क्या है एप्सिलॉन का? 0, जीरो जीरो है। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा? सर, एप्सिलॉन इज फ्रॉम 0 ग्रेटर देन, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज नॉट टेकिंग द वैल्यू 0। हां हां ठीक है, मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कि एप्सिलॉन वी कांट टेक द वैल्यू ऑफ 0, ठीक है? बट सुप्रीमम ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, देखो क्या होगा, एप्सिलॉन अप्रोच तो कर सकता है ना 0 की ओर, हम एप्सिलॉन को 0 की तरफ अप्रोच करा सकते हैं ना। तो व्हेनेवर वी अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, supremum of 1 minus epsilon will becomes what? क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। epsilon क्या हो रहा है? 0 की तरफ tend कर रहा है। तो जब भी 0 की तरफ tend करेगा, देखो इस सेट में क्या है, इस सेट में क्या है, 0 और 1 में 0 नहीं है, पर जब भी तुम इसके इनफिमम को निकालते हो तो क्या निकालते हो इसका इनफिमम? 0 निकालते हो। 0, yes sir। तो उसी तरीके से जब epsilon 0 की तरफ tend करेगा तो इसका supremum क्या आएगा? 1 आएगा। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सुप्रीमम ए एप्सिलॉन का निकालते हैं, जब भी 0 से लेके हाफ होगा वो लेस देन 1 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि एप्सिलॉन 1 से बड़ा है एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 से क्या है, बड़ा है एप्सिलॉन 2, और दोनों 0 और हाफ के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों 0 और हाफ के बीच में लाई करें। अगर देखो एप्सिलॉन 1 से बड़ा है एप्सिलॉन 2, तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 और 1 माइनस एप्सिलॉन 2 में कौन बड़ा होगा? सर 1 माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ग्रेटर होगा, है ना? जी गुड। कैसे? सो एप्सिलॉन 1 से बड़ा है एप्सिलॉन 2, जब भी माइनस लगाओगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है? 1 लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया। अभी देखो क्या है, एक सेट दूसरे सेट से बड़ा है, अभी सुप्रीमम निकालते हैं। तो सुप्रीमम क्या हो गया बताओ? सुप्रीमम ये जो सेट है ये ए एप्सिलॉन 1 और सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2, इन दोनों में से किसका सुप्रीमम बड़ा होगा? 1 एप्सिलॉन 1 का, एप्सिलॉन 1 का बड़ा होगा, जो बड़ा है वही बड़ा होता है ना, मतलब एप्सिलॉन 1 का बड़ा होगा, तो सुप्रीमम ए एप्सिलॉन 1 सुप्रीमम ऑफ ए एप्सिलॉन 2 से बड़ा होगा, ठीक है? थर्ड वाला ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, है ना?
तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन्फिमम में क्या हो जाएगा बताओ, इन्फिमम में उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा इन्फिमम बताओ, वन माइनस एप्सिलॉन टू हमेशा बढ़ा जाएगा, और वन माइनस एप्सिलॉन वन हमेशा बढ़ा जा रहा है और वन माइनस एप्सिलॉन टू हमेशा छोटा जा रहा है, तो जब भी इन्फिमम करेंगे तो छोटा वाला वैल्यू ज़्यादा अटेन करेगा, जो छोटा वाला वैल्यू अटेन करेगा एकदम इन्फिमम सेट का, तो इन्फिमम जो होगा एप्सिलॉन टू का वो छोटा होगा किससे, देखो क्या पूछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इन्फिमम ऑफ ए एप्सिलॉन वन इससे बड़ा कौन है, इन्फिमम ऑफ ए एप्सिलॉन टू, पर ऐसा नहीं है, ये एकदम उल्टा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, उल्टा है, ठीक है, कोई भी ए एप्सिलॉन हो उसके लिए तो इन्फिमम जीरो ही होगा ना, कोई भी, हाँ इन्फिमम क्या, गुड गुड, जीरो ही होगा, बट हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कोई दो सेट के लिए, अगर लेस देन इक्वल लेस देन का साइन है तब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.1 माइनस एप्सिलॉन, तो कुछ भी एप्सिलॉन काउंट कर लो तो ये वाला वैल्यू बड़ा ही आने वाला है, ठीक है, एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू ये बड़ा ही आने वाला है, जीरो ही वैल्यू अटेन करेगा जो सबसे मिनिमम है, ठीक है, बट थोड़ा लॉजिकली भी देखते हैं कि अगर मान लो कि कुछ डिफरेंट आ गया, अलग अलग सेट आ गया और हमको नहीं पता अलग अलग सेट के बारे में, ठीक है, बस यहाँ से कंक्लूजन निकालना है, मतलब इसमें जीरो को हटा दो, हाफ को हटा दो, अभी मैंने यूज नहीं किया जीरो और हाफ कहीं पे भी, तो बिना उसके अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ठीक है, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एप्सिलॉन वन से बड़ा है एप्सिलॉन टू, ठीक है, तो इनफिम कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है, अभी जैसे मैंने ये यूज किया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें क्या यूज किया बताओ, सुप्रीमम जो होगा ए का वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ बी होगा, ठीक है, और दूसरे में क्या कहा कि इन्फिमम जो होगा ए का वो हमेशा इन्फिमम ऑफ बी होगा, उल्टा हो जाता है, देखो यही था, देखो ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे और लिखेंगे, बाकी वो एकदम वैलिड है कि दोनों का जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको भी तो अप्रोच करना है, ठीक है, बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सीखने के लिए होते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ तुम नया निकाल सकते हो, देखो जब तक प्रॉब्लम एकदम सेम आता है हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सीख जाते हैं कि हाँ ऐसे सॉल्व करते हैं, बट अगर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हर जगह पे क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ नया नया कॉन्सेप्ट उसमें यूज करके, सेम चीज है उसी चीज को वो पूछेगा बार बार रिपीट करके पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो उसके आसपास जो नेबरहुड में कंसेप्ट है ना उनको सीख लें, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो जो बात आई वन माइनस एप्सिलॉन वन की, देखो ऐसे ही डेवलप करना पड़ेगा तुम्हें अपना, ठीक है, अदरवाइज सबको सब कुछ आता है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लोगों को नहीं आता है, यहाँ पे लोगों को आता है, सब कुछ आता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस छोटे छोटे पॉइंट्स को तुम लोगों के सामने ला रहा हूँ जो कि तुम्हारे से रह गया है, मतलब जो कि हम मतलब ग्रांटेड लेके छोड़ देते हैं कि अरे मतलब ये तो हो ही जाएगा, उनको नहीं छोड़ना है, उनको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उन पे काम करना है, क्योंकि जब तक तुम थोड़ा इम्प्रूव नहीं करते जाओगे ना वो मार्क्स इम्प्रूव नहीं होगा उसमें, वो मार्क्स एज इट इज रहेगा, तो कोशिश करो कि जो भी पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सेम चीज़ में अगर पढ़ रहे हो तो सेम चीज़ में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख जाएं, या कुछ अलग तरीके से सीख जाएं, या एक ही चीज़ को दो तीन तरीके से सीख जाएं, ताकि जब एग्ज़ाम में जाएं तो हमारा कोई ना कोई तरीका क्लिक कर जाए दिमाग में, क्योंकि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और फिर बहुत कुछ होता है उसके अंदर, तो अब इसको एक सेट देखो, ठीक है, अब इसको जब एक सेट देखोगे ना तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि चलो सुप्रीमम का तो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इन्फिमम का क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा, इन्फिमम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ पा रहे हो तुम लोग, तो सेकेंड ऑप्शन गलत होगा कि सही होगा ये बताओ, और यहाँ पे दोनों जीरो आ रहा है तो लेस देन इक्वालिटी का साइन होना चाहिए,
हम लोग जो मान के चलेंगे वो लेस देन इक्वलिटी का साइन लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता हर जगह, बट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में जीरो है, तो दोनों का जीरो हो रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत है। फोर्थ ऑप्शन के बारे में बताओ, क्या कह सकते हो फोर्थ ऑप्शन के बारे में? जीरो कॉमा वन नाइन, हाँ बताइए सर। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी वाला साइन नहीं है। हाँ इक्वालिटी वाला साइन नहीं है, ठीक है। जीरो कॉमा वन माइनस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू, और जीरो कॉमा वन माइनस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आर माइनस क्यू, और इनका सुप्रीमम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब क्यू भी डेंस होता है, क्यू भी इसमें डेंस होगा, क्यू भी इसमें डेंस होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी इसमें डेंस होता है, तो इंटरसेक्शन जब करोगे तो मतलब इंटरसेक्शन भी करोगे तो भी इक्वल ही रहने वाला है, कुछ होगा नहीं उसमें, चेंजेस नहीं आएंगे कुछ, तो इसलिए क्या होगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था सुप्रीमम इनफिमम। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट। लेकिन सर आंसर नॉट ट्रू पूछा ना हमसे। आंसर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो सी और डी। नहीं नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ठीक है सी और डी। देखो अभी नॉट ट्रू पूछा तो ए और बी लगा देना, आंसर पता चल गया ना, मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है। जी ठीक है, तो इतना ज्यादा इशू नहीं है वो। एक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, नेबरहुड पॉइंट क्या होते हैं। देखो नेबरहुड क्या कहते हैं, पॉइंट के बारे में डिफाइन करते हैं, जो पॉइंट होता है वो नेबरहुड पॉइंट होता है, ठीक है, सेट का सेट के बारे में नहीं कह रहे हैं। तो कोई सेट अगर मान लो मेरे पास ए है जो कि सबसेट है आर का, ठीक है, और इसका कोई पॉइंट है, इसका कोई पॉइंट है ए का या आर का, मान लो अभी मैं बताऊंगा वो ए में ही जाएगा एक्चुअली। अगर एक आर का कोई पॉइंट लिए और इसको कहते हैं कि ये नेबरहुड पॉइंट है, तो क्या होना पड़ेगा बता सकते हो? कि एक ऐसा ओपन इंटरवल आना चाहिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन जो कि ए में कंटेंट हो जाए, ए में कंटेंट करे, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी अ नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर। देखो रोज क्लास आओ, रोज अटेंड करो, मतलब एट द एंड तुम्हारा रियल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो क्योंकि बहुत बेसिक कर रहे ना, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, अभी हम मान के नहीं चल सकते कि मतलब आप लोगों को कितना कुछ आता है, बहुत कुछ आता होगा, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा कराने दो एक बार, मेरे को आइडिया लग जाएगा क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच। तो जो यहाँ पे थ्योरी डिस्कस हो रही है वो थ्योरी यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग पूरा फोकस करेंगे एकदम क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस एकदम रगड़ के करेंगे, मतलब क्वेश्चन छूटेंगे नहीं तुम्हारे एग्जाम में, मतलब हर क्वेश्चंस को दो तीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर उसके वैसे वेज हैं तो, ठीक है। तो ए को हम बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट, अगर हमको एक ऐसा देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन जो कि पूरा का पूरा उसमें कंटेंट हो जाए, ठीक है। अभी एक चीज बताओ मुझे कि ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन जब हम ओपन इंटरवल बना रहे हैं तो ए माइनस, देखो कंसेप्ट देखो, तो ए बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो जो नेबरहुड पॉइंट होता है वो सेट का ही पॉइंट होता है, ठीक है, और अगर ये पूरा का पूरा ए में कंटेन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो ए में ही है, मतलब नेबरहुड पॉइंट जो भी होगा वो उस सेट का ही होगा। क्या क्या कह रहा हूँ मैं, ए का इज अ नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल ए इज अ नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए जो होगा वो ए का ही पॉइंट होगा, ठीक है। अभी एक चीज और देख लो कि ए ए सेट में कौन कंटेंड है, ए सेट में ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेंड है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी,
ये नेचुरल सेट है, मैं बोल रहा हूँ कि नेबरहुड ऑफ निकालो, नेबरहुड ऑफ एन, बहुत लोगों को पता होगा बट लॉजिक ही बताना कि क्या है, क्या यूज कर रहे हैं, क्या होगा नेबरहुड पॉइंट एन का? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर क्यों कुछ भी नहीं होगा? सर कुछ भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर जो हम एक ओपन इंटरवल अगर वन के अराउंड भी हम बनाएं तो उसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जबकि एन के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। गुड गुड गुड, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, पूरा का पूरा सेट में ए में कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा सेट में कंटेन होना चाहिए, और ये सेट कैसा होता है, ये सेट अनकाउंटेबल होता है, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, मतलब ऐसा वाला इंटरवल वाला जहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो वो सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अभी ये भी ओपन इंटरवल है तो परेशान मत होना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट और ओपन इंटरवल, तो ये क्या सेट होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है। सर हाँ बताइए। सर नेबरहुड तो एक पॉइंट का होता है, तो नेबरहुड ऑफ एन, नेबरहुड एक किसी एक पॉइंट को नेबरहुड कहते हैं, लेकिन उस पॉइंट को नेबरहुड किसी सेट का कहेंगे ना, और वो सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट होना चाहिए। अगर उस सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट नहीं है तो उसका कोई नेबरहुड नहीं होगा, समझ पा रहे हो बात को, किसी सेट के रिस्पेक्ट में नेबरहुड कह रहे हैं, तो सेट भी इम्पोर्टेंट है और वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को कंसीडर करेंगे, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो सर जैसा हम लेके ओपन इंटरवल 0, k1, तो ये जो सेट है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, ओपन इंटरवल 0, 1, हाँ ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है, हाँ मतलब वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसा इन्होंने पूछा कि नेबरहुड तो केवल एक पॉइंट का होगा, लेकिन एक पॉइंट के एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के अराउंड अगर हम कोई एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढ पा रहे हैं जो कंप्लीट रूप से उस सेट को बिलोंग कर जाए तो फिर ओपन वो हमारा नेबरहुड होगा, जबकि हमें एंड के अंदर ऐसा कोई नेबरहुड नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हाँ, और ओपन इंटरवल 0, 1 के अंदर मिलेगा। देखो दो तरीके से फिर देख लेते हैं, मतलब एन जो है मेरा वो 1, 2, 3 है, पहला तो मैंने बोल दिया कि अनकाउंटेबल सेट नहीं है तो नेबरहुड पॉइंट नहीं है, मैंने क्या बोला कि इफ ए इज अनकाउंटेबल सेट, और अनकाउंटेबल सेट हुआ तो पक्का उसके पास एक नेबरहुड मिलेगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो जो भी मैंने बोला, ए इज नॉट अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, तो इसका मतलब हुआ कि ए डजंट हैव एनी नेबरहुड पॉइंट, ठीक है। तो एक तरीका तो ये देखेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल सेट नहीं है, काउंटेबल सेट है, तो इसका मतलब इसके पास नेबरहुड नहीं होगा। दूसरा तरीका ऐसे देख लेंगे कि जब नेचुरल नंबर हम लिखते हैं 1, 2, 3, बहुत बेसिक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या कह रहा है कि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन जो सेट में है वो कंटेंड करना चाहिए, ठीक है, जो सेट में है वो कंटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हम यहाँ पे एक सेट ऐसा बना सकते हैं, मतलब जो कि कंटेन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे नहीं, जैसे मान लो 2 पॉइंट है, इसको ऐसे सेट बना लिए तो कोई भी ओपन इंटरवल क्या कंटेन करेगा, मतलब अगर मैंने 2 माइनस एप्सिलॉन लिखा, 2 प्लस एप्सिलॉन लिखा, तो क्या ये कंटेन कर पाएगा नेचुरल नंबर में? नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, बता दो जल्दी से एक बार, यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अनकाउंटेबल सेट नहीं है, अनकाउंटेबल सेट नहीं है तो नेबरहुड पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि फाइनाइट सेट के पास नहीं होगा। जी सर बिल्कुल होगा सर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट थोड़ा सा रुको, इसका मतलब है कि अगर इफ ए इज फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, तो ए डज नॉट हैव एनी नेबरहुड पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ए इज काउंटेबल सेट भी हुआ तो भी नहीं होगा, समझ पा रहे हो, तो भी क्या होगा, सेम। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। तो कोई भी सेट जो क्यू में बिलोंग करता है, क्योंकि क्यू काउंटेबल है, तो क्या होगा बताओ,
ए डज नॉट हैव एनी नेबरहुड पॉइंट, क्योंकि अगर क्यू काउंटेबल है तो उसके अंदर कंटेन करने वाला सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, यहां तक सही है। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो अभी तक में। चलो एक सेट है, जैसे बेसिक सा सेट ले रहे हैं, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का नेबरहुड पॉइंट क्या क्या होगा? दूसरा, m प्लस 1/n एक सेट है सच दैट m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का क्या होगा? तीसरा, m अपॉन m 1 प्लस m सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सेट का क्या होगा? फर्स्ट वाले का 5, 5 सेकंड वाले का बताओ। सर तीनों का 5 होगा। सर सेकंड का भी 5 है। देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना था, जैसे मैंने बोला ये नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे मैंने बोला ये नेचुरल नंबर का सेट है, खत्म बात। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि कोई भी सेट जो कि किसी काउंटेबल का या फाइनाइट का सबसेट है, उसके पास कोई नेबरहुड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसके पास। क्योंकि इन तीनों सेट के अंदर रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन हमारे इंटरवल के अंदर इरेशनल भी आते हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। गुड गुड, और रेशनल नंबर भी काउंटेबल है, और अभी मैंने समझाया है कि पूरा का पूरा इंटरवल गया तो अनकाउंटेबल जाना पड़ेगा। तो जब तक सेट अनकाउंटेबल नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, चलो मान लो ई टू द पावर एक्स का देखे तो इसका क्या होगा बताओ, नेबरहुड पॉइंट क्या होगा इसका? देखो अभी बेसिक डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अभी बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो अभी एकदम ये मत सोचो कि हमने बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल लिया है, बहुत कॉन्सेप्ट यहीं से सीखने को मिलता है, उसी के इम्प्लीकेशंस फिर जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना उसमें दिखते हैं। तो इसका बताना क्या होगा? यहाँ तो नेबरहुड होगा ना? क्या होगा नेबरहुड? सर यहाँ जो नेबरहुड होगा वो आर होगा? नहीं सॉरी सर, सर हमारी जो वैल्यू होंगी मतलब जीरो से बड़ी, जीरो या जीरो से बड़ी होंगी, क्लोज इंटरवल जीरो कोमा इनफिनिटी, जीरो से इनफिनिटी में। सर ग्राफ से देख लेंगे सर इसका, तो सर हम हाँ, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट ही क्या हो जाएगा, पूरा सारे एलिमेंट सर इसके लिए करोगे, सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या होगा इसका बताओ? इसका बताओ, ये सेट जो है, इस सेट का बताओ, e to the power minus x कर दिया, कुछ चेंज होगा क्या? नो सर, इसका भी सेम होगा सर, रेंज में तो सेट जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल 1, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। नहीं 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 नहीं, ये भी क्या होगा, 0 कॉमा इनफिनिटी होगा ना? देखो सेट में कैसा बन रहा है, ऐसे बनता है एक e to the power x, और e to the power minus x कैसे बनता है? तो ये जब भी जाएंगे ना इन्फिनिटी की तरफ, ये जीरो नहीं, जीरो नहीं जाएगा, जीरो नहीं होता है। और बाकी ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी होगा इंटरवल, और ये पूरा का पूरा नेबरहुड पॉइंट ही कंटेन करेगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन फिर है करते हैं। मान लो एक सेट है मेरे पास विच इज पी साइन 1/t, ये इस पे नहीं है बेस, सुप्रीमम इनफॉर्म पे ही बेस्ड है, ठीक है, 2/5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो मुझे भी क्वेश्चंस ही कराने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, बट उसके पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे दूंगा, और जो रह जाएगा वो ऐसे दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना पड़ेगा मुझे, एंड देन फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्लास जो है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि तुम 5 मिनट मिस करोगे बहुत कुछ मिस हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही देखना जब भी देखो।
चलो बताओ क्या होगा इसका। देखो टी साइन वन बाई टी ये है हमारे पास, और टी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, टी बिलोंग कर रहा है जीरो से लेकर के टू बाई पाई तक, ठीक है, टू बाई पाई इंक्लूड नहीं है इसमें। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आप लोग एक बार खुद से इसको करो, ठीक है, मतलब नहीं होगा तो पूछ लेना। वैसे हमको समझ पता चल गया कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, और आप लोग अभी लॉजिक लगा के देखो कि क्या क्या हो सकता है, मतलब बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, बाकी ऑप्शन को भी देखना है कि क्यों रॉन्ग है, ठीक है। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, देखो साइन वन बाई टी जो होगा ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू वन होगा, बाउंडेड है मतलब। तो टी जो होगा, टी साइन वन बाई टी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी होगा। अब इसके आगे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि बी सी डी में कौन, ए बी सी डी में जैसे ए सही है, बी सी डी क्यों गलत है, ठीक है, ये सोचना है आप लोगों को, ठीक है, हो जाएगा सबसे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, ठीक है, मतलब आप लोग पे छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन सेट क्या होता है, क्योंकि नेबरहुड देखे, पॉइंट नेबरहुड देखे, अभी ओपन सेट देख लेते हैं क्योंकि उसमें ओपन सेट आ रहा था बार बार। तो एक सेट को ओपन सेट कब कह सकते हैं, किसी को पता है कोई सेट ओपन सेट कब कहलाता है, कब कहते हैं कि वो एक सर किसी भी सेट को जो लेकिन सारे पॉइंट्स नेबरहुड होंगे। गुड गुड, जब सारे पॉइंट क्या होते हैं, नेबरहुड पॉइंट होते हैं। तो ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट, गुड। तो क्या होता है, एक सेट है आर का, इज सेट टू बी is said to be open if it contains neighborhood of each of its points। मतलब अगर वो खुद के पॉइंट का ही neighborhood हो, मतलब उसका हर पॉइंट क्या हो, नेबरहुड पॉइंट होना होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ओपन सेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ए अगर कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन होना चाहिए, सच दैट कि जो ओपन सेट बन गया ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का, वो कंटेंट होना चाहिए ए में, और ए तो इसमें कंटेंट होता ही है, ठीक है, ये चीज है। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूं मैं इस पे क्योंकि आप लोगों को आता होगा। पहला चीज बताओ, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। गुड, और आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, may or may not be open। एग्जाम्पल देख लेते हैं,
देखो माइनस वन बाई एन प्लस वन बाई एन, ठीक है, इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन ले लो, क्या आएगा बताओ, ये सेट है मेरे पास माइनस वन बाई एन और फिर प्लस वन बाई एन, एन की वैल्यू वन रखते हैं तो ये सेट होता है माइनस वन प्लस वन, एन की वैल्यू टू रखते हैं तो ये और कम हो जाता है माइनस हाफ प्लस हाफ, एन की वैल्यू थ्री रखोगे और कम हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री वन बाई थ्री, मतलब ये इधर अप्रोच कर रहा है, ये इधर अप्रोच कर रहा है, सो इट इज सिंगलटन सेट जीरो एंड विच इज क्लोज्ड, हम जानते हैं क्लोज्ड है, भी बताएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है उसको क्लोज्ड कहते हैं, ठीक है, तो बहुत बेसिक है, चलो नेक्स्ट। लेकिन सर इसमें एक डाउट है थोड़ा सा। हाँ बताइए। सर माइनस वन अपॉन एन कोमा वन अपॉन एन, जब हम एन को इन्फिनिटी टेंस कराएंगे तो यहाँ जीरो कोमा जीरो बनेगा, लेकिन ये तो ओपन सेट है, जीरो कोमा जीरो नहीं बनेगा, जीरो कोमा जीरो नहीं बनेगा, ये एक इंटरवल है ना। जी सर इंटरवल है सर, ये माइनस वन बाई एन है, ये वन बाई एन है, ये एक इंटरवल है, ये टपल नहीं आया, तो जीरो कोमा जीरो क्यों बोल रहे हो, अभी तो मैं आर पे काम कर रहा हूँ ना, अभी तो आर स्क्वायर पे गया ही नहीं। नहीं सर मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि वन अपॉन के एन कोमा वन अपॉन के एन ना तो माइनस वन अपॉन के एन उस इंटरवल के अंदर है, ना ही वन अपॉन के एन उस इंटरवल के अंदर है। हाँ तो बस सिंगलटन जीरो है। तो सर मतलब जब हम एन को इन्फिनिटी टेंस कराएंगे तो फिर वहाँ जीरो बनेगा, लेकिन जब फिर तो इसका मतलब जीरो भी नहीं होगा उसके अंदर। समझो क्या है, ये क्या है, एक इंटरवल है, मतलब ये क्या है, एक माइनस वन बाई एन है और एक वन बाई एन है, ठीक है, ये इंटरवल है, ठीक है, मतलब ऐसे लिख देते हैं चलेगा, तो जब इंटरवल है तो कम करोगे, कम करेंगे ना हम यहाँ पे, आप जब कम करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 छोटा होगा, और फिर यहाँ पे तो केवल जीरो है ना, अब दो जीरो कैसे लाएंगे इसमें, नहीं लाएंगे ना, और जीरो कॉमा जीरो भी, जीरो कॉमा जीरो का इंटरवल नहीं आएगा इसमें, क्लोज जीरो कॉमा क्लोज जीरो का इंटरवल आएगा, ठीक है, तो जब क्लोज जीरो का इंटरवल आएगा तो उसको सिंगलटन जीरो ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है समझ पा रहे हैं, हाँ उसको सिंगलटन जीरो ही कहते हैं, तभी तो कहते ना कि ये वाला ये सेट जो है वो क्लोज है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं जीरो जीरो में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही पॉइंट है और इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, अगर ऐसे लिख देंगे ना जीरो जीरो तो ये कुछ नहीं है, फाई हो गया, ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइनाइट इंटरसेक्शन जो होता है वो ओपन सेट होता है, ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है, इज ओपन, ठीक है, अभी मुझे बताइए कि अगर कोई ओपन सेट है, कोई ओपन सेट है और उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं कोई भी सेट, एनी आर्बिट्ररी सेट, तो क्या होगा, कोई भी आर्बिट्ररी सेट उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ओपन होगा, वेरी गुड वेरी गुड, सर ओपन होगा, तो क्या होगा, ओपन प्लस कुछ भी आर्बिट्ररी करोगे तो क्या आएगा, ओपन आएगा, अगर इसका प्रूफ करना है तो आराम से, मतलब कोई दो सेट ले लो ए प्लस बी और लिख लो कि यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए प्लस बी डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ ए ए में होगा और बी बी में बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओपन है, ये हमारा क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी सेट है, तो ए प्लस बी क्या है, मतलब अगर ए हमारा ओपन है तो क्या होगा बताओ, कोई भी ए जब ए में आएगा तब ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन करेगा, ए में कंटेन करेगा, बताइए, क्योंकि ए हमारा ओपन है, बी के बारे में नहीं पता, हमें बी के बारे में हमें नहीं पता है, यहाँ तक ठीक है, मतलब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों ओपन है, तो जब भी हम इसमें ऐड करेंगे ना ए प्लस बी तो क्या होगा कि ये इंटरवल में ऐड हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, जब भी हम इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, बी से शिफ्ट कर देगा उसको, मतलब प्लस बी से शिफ्ट कर देगा उस ओपन इंटरवल को, समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब प्लस बी से क्या करेगा उसको आगे बढ़ा देगा, पीछे जो भी है, बी पॉजिटिव है तो आगे बढ़ा देगा इंटरवल को और नेगेटिव है तो पीछे कर देगा इंटरवल को, तो बी क्या कर रहा है, ऐड करने के बाद क्या कर रहा है, वो बस शिफ्ट कर दे रहा है उसको, और ये क्या कंटेन होगा ना ए प्लस बी में,
ये सिंपली एक्चुअली देखा जाए तो ये ए प्लस बी में कंटेन होगा, स्मॉल बी में, एंड विच इज कंटेनिंग ए प्लस. तो कोई भी ए प्लस बी उठाए ए प्लस बी से, तो हमने क्या दिखा दिया कि ए प्लस बी इज ओपन. किसी कोई डाउट है बताइए जल्दी से. नो सर. ठीक है, तो अगर ओपन सेट प्लस यानी आर्बिट्री सेट है तो भी वो ओपन होगा. अगर हम कहते हैं ओपन सेट, अभी कहते मान लीजिए ओपन सेट प्लस ओपन सेट, तो भी ये भी ओपन होगा. मतलब ओपन सेट में कुछ भी ऐड कर दीजिए वो ओपन सेट ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला उसके अलावा. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलता हूँ 0,1 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये ओपन सेट है? 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, बाकी बेसिक तो आप लोग बता ही दोगे. क्यू क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है बताइए, ओपन है क्लोज्ड है, क्या है? ओपन सेट है कि नहीं, बस इतना बताइए. सेट ऑफ रेशनल सर ओपन नहीं है सर. क्यू इज नॉट ओपन और क्लोज. नहीं है, नहीं है, ओपन नहीं है. ठीक है, नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं ये, क्योंकि ये तो एक तो सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल सेट है, तो इसका कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं बनेगा. इसका कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं बनेगा, तो जब इसका कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं बन पा रहा है तो ये तो ओपन हो ही नहीं सकता. क्यू कॉम्प्लीमेंट में आइए, क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि कोई भी पॉइंट उठाएंगे वो उसका नेबरहुड पॉइंट ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रॉपरली कंटेन नहीं करेगा, उसके अंदर रैशनल भी आ जाएगा अगर हम इसकी बात करेंगे तो. ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसका भी कोई पॉइंट उठाएंगे ना, जैसे मान लीजिए 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, इसका कोई भी पॉइंट उठा लिया, मतलब कोई भी पॉइंट ले लेंगे सेट का, तो इसके नंबर जब भी हम कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे तो ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में क्या आ जाएगा बताइए, इरेशनल नंबर आ जाएगा. तो क्या ये प्रॉपरली कंटेन हो पाएगा क्या इसमें, कभी भी नहीं हो पाएगा, और ना ही इस सेट के लिए पॉसिबल है. प्रॉपरली कभी कंटेन हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली कंटेन. ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, कभी कंटेन नहीं करेगा. तो इस तरीके से क्या होगा इसका, ये ओपन सेट नहीं होगा, मतलब इसका कोई पॉइंट ही नेबरहुड नहीं बन रहा, तो हम ओपन क्यों बोल देंगे, नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए हम ऐसे कह लेते हैं कि कोई एक ये सेट है एंड देन फिर ये सेट, क्या होगा ये सेट बताइए, फाइव नंबर बताइए क्या होगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, मतलब और ऐसे ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब और दूसरे तरीके से नहीं पूछते हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं. ये सेट क्या होगा बताइए, फाइव और सिक्स बताइए क्या होगा. तो सिक्स ओपन होगा, सिक्स ओपन होगा. देखिए फिफ्थ क्या है, ओपन प्लस एनी आर्बिट्री सेट है ना, तो ये क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, ये ओपन सेट हो गया. e टू द पावर मॉड एक्स का एक बार रेंज बताइए मुझे, e टू द पावर मॉड एक्स का रेंज क्या होगा, e टू द पावर मॉड एक्स का रेंज क्या होगा, ये कुछ ऐसा गया जब भी x पॉजिटिव है, मॉड एक्स का मतलब क्या हुआ बताइए, x हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइड देखना ही नहीं है. एक बार देखिए x को, देखिए x का ग्राफ कैसा बनता है, y is equal to x का ग्राफ कैसा बनता है ऐसा, बट जैसे हमने कह दिया x is equal to mod x बताइए, तो ये ग्राफ कैसा हो गया बताइए, ये ग्राफ ऐसे और ऐसे शिफ्ट हो जाता है, हो जाएगा. तो जब भी e to the power mod x हम लिखेंगे तो e to the power mod x का ग्राफ कैसा हो जाएगा बताइए, ऐसे जाएगा, और ये जो नीचे जा रहा था ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा mod x हो गया है,
किसको नहीं समझ में आ रहा बताइए, क्योंकि ये जो x जो इधर में इमेज होगा वही इधर इमेज होगा, बस वो समझ पा रहे आप लोग जी, नोट वन वन फंक्शन हो जाएगा उस केस में। हाँ ठीक है, तो ये वन को कंटेन कर रहा है ना और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इज इट ओपन सेट? नहीं ना, ये ओपन सेट नहीं होगा, ना तो ओपन है ना ही क्लोज है, ना तो ओपन है ना ही क्लोज है, क्लोज सेट है ये एक्चुअली। इन्फिनिटी जब भी रहता है ना तो वो क्लोज हो जाता है वहां पे। सर यही बात समझ नहीं आ रही, मतलब हम आर को ओपन भी लेते हैं क्लोज भी लेते हैं, सर उसे हम क्लोज कैसे लेते हैं? मतलब इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो उसे कैसे कह देते हैं सर ये ओपन है या क्लोज है आर को? ये आर है हमारा, ठीक है सर। सर पावर मॉडेक्स वाला ग्राफिक बन सकता? हाँ देखिए, मॉडेक्स वाला ग्राफ पहले समझा देता हूँ। देखिए ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, e टू दी पावर x का ग्राफ होता है। देखिए ग्राफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ग्राफ जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना बार बार उसको लिखिए और समझिए। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। अभी क्या करना है कि यहाँ पे तो x नेगेटिव था ना, ये जो हम कर रहे थे यहाँ पे क्या था, x नेगेटिव था, बट हमको अभी सारे x को पॉजिटिव लेना है। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू जो जीरो से लेकर के जो जो भी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जो वैल्यू था वही अब वैल्यू इधर भी कंसीव करेगा, मतलब इधर भी लेगा वो। तो मतलब ये जो ग्राफ होगा वो कैसा जाएगा, ये जो लाइन बना है ना इसका मिरर बनेगा इधर, क्योंकि वही बनना है इधर, एक्स की वैल्यू वही हो गई ना, तो वाई की वैल्यू तो चेंज नहीं करेगी ना, वाई की वैल्यू भी वही होनी पड़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू सेम कर दोगे तो वाई की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, तो जो इधर वाला इमेज बनेगा वही इधर बनेगा, उसका बस मिरर बनेगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मिरर इमेज बनेगा। और हम जान रहे हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या अटेन करता है, वन को अटेन करता है, तो वन से लेकर के इन्फिनिटी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लोज सेट है, क्लियर हो गया। अभी देखिए आर क्यों क्यों क्लोज है और क्यों ओपन है, ठीक है, क्यों क्लोज है क्यों ओपन है। वो बोलते हैं ना कि केवल फाई एंड आर आर ओनली टू सेट्स विच आर क्लोज एंड ओपन बोथ, ठीक है, विच आर क्लोज्ड एंड ओपन बोथ, इसके अलावा कोई सेट ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा, आर में कोई भी चीज लेंगे तो उसका लिमिट पॉइंट आर में ही होगा ना, लिमिट तो बाहर नहीं जाने वाला, कोई भी सेट है उस सेट का लिमिट, अगर वो पूरा का पूरा एक स्पेस है, वो एक पूरा का पूरा एक आर है, आर क्या एक पूरा स्पेस है, तो उस सेट से बाहर नहीं जाएगा उसका लिमिट पॉइंट, ये मुझे बताइए। और इसका कोई भी इंटरवल लेंगे ना वो आर में ही कंटेंड होगा, तो कोई भी पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका इंटरवल लेंगे तो वो आर में ही कंटेन होगा, तो हर पॉइंट नेबरहुड पॉइंट नहीं बन जाएगा। कोई भी ए ले लेंगे तो कुछ भी कर लेंगे, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ये कंप्लीटली कंटेन इन आर, तो ए इज क्या, ए इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ आर, तो हर पॉइंट नेबरहुड पॉइंट बना इसलिए ओपन सेट हो गया, और क्योंकि हर लिमिट पॉइंट इसमें कंटेन्ड है इसलिए क्लोज सेट हो गया। तो क्लोज और ओपन दोनों हो गया, ये कोई भी स्पेस क्लोज और ओपन होता है, कोई भी स्पेस। कुछ डाउट रह रहा है बताओ अभी भी, मतलब अभी कोई डाउट रह रहा है आप लोग का बताइए। क्लियर सर, अब क्लियर है ना, ठीक है। तो ओपन सेट देख लिए, लिमिट पॉइंट देख लेते हैं एक बार, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब पढ़ेंगे, कॉम्पैक्ट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, कनेक्टेडनेस क्या होता है, एंड फिर आर टू पे भी जाएंगे, ठीक है। आर टू पे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है ना हमारे एक्स कॉमा साइन वन बाई एक्स इस टाइप के आते रहते हैं, ठीक है, तो इन सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी लिमिट पॉइंट देखेंगे एंड देन क्लोज सेट देखेंगे। तो लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं किसी पॉइंट का लिमिट पॉइंट, मतलब ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई भी सेट है, अभी सब कुछ आर पे बात कर रहे हैं, बट ये चीज वहां पे भी मतलब सेम चीज होगी, आर टू में भी सेम चीज होगी, ठीक है। ए कोई सेट है
और मान लेते हैं ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे हम ओपन सेट कह रहे हैं, जैसे हम इससे पहले क्या डिफाइन कर रहे थे, नेबरहुड पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, तो उसके लिए एक टर्म है जैसे हम डिफाइन करते हैं ए जीरो, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, ऑल इंटीरियर पॉइंट। पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है, पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोड हो जाएगा जो भी यहाँ पे हो रहा है। एंड मेक श्योर कि आप इसको एक दो बार तो रीड करो एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वो पॉइंट आप लोग रीड करो जो पॉइंट मतलब थोड़ा सा अलग मिला आप लोग को, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे, तो कुछ तो अलग मिला होगा, तो जो अलग मिला होगा उसको नोट कर लेना, एंड पीडीएफ तो है ही आपके पास। तो ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, कब कहेंगे बताओ, किसी को कोई आइडिया है लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है? जी सर बताइए। एक को लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट का, यदि एक का एवरी नेबरहुड उस सेट का कम से कम एक एलिमेंट रखता है एक के अलावा। फॉर एवरी, ये बहुत अच्छा आपने बोला, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन ए, लेकिन उस सेट को छोड़ के, उस एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, ए को छोड़ के, डज नॉट इक्वल टू फाइव, तब हम कहेंगे ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में डिफरेंस क्या है? देखिए क्या होता है, एडहेरेंट पॉइंट जो होता है, देखिए टोटल तीन पॉइंट होते हैं, मैं एक बार में आप लोगों को लिखवा देता हूँ। एक होता है कंडेंसेशन पॉइंट, अभी पूछा नहीं है कंडेंसेशन पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ही पूछता है, लिमिट पॉइंट ही पूछता है। टीएफआर का एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको कंडेंसेशन का वर्ड मिलेगा सब में। तो कुछ किताब तो मतलब इसे लिमिट पॉइंट को ही कंडेंसेशन पॉइंट कहा, एक्युमुलेशन पॉइंट कहा, उसका रिस्पेक्टिव थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देता हूं। ओके सर, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन का सिंपल सा इंटरसेक्शन कर दीजिए ए के साथ, ठीक है, तो तीन तीन पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, या तो फाई आ सकता है, या तो नॉट इक्वल टू फाई आ सकता है, या तो इनफाइनाइट सेट आ सकता है, ठीक है, या तो अनकाउंटेबल सेट्स आ सकते हैं, फाइनाइट नहीं आएगा, मतलब फाई नहीं है तो, मतलब फाई नहीं है तो इसका मतलब जिसमें जो फाई कह रहे हैं इसमें फाइनाइट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो दूसरा हम इनफाइनाइट अनकाउंटेबल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो जो इसको प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, जो इसको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसको एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे, एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको लिमिट पॉइंट बोलेंगे, और जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको कंडेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। सर एक्युमुलेशन पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट इज सेम एज लिमिट पॉइंट, उसी का वर्ड है, ठीक है। सर एक डिलीजिट नेबरहुड आता है तो सर उसमें क्या कौन सा पॉइंट स्किप करते हैं? सर डिलीटेड नेबरहुड वहां से तो मतलब जिस पॉइंट का हम जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट कह रहे हैं उसको ही हटा देते हैं। हां यहां पे देखो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब हुआ कि उस पॉइंट को हटा दे रहे हैं, उस पॉइंट से उस जो जो नेबरहुड बना रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग, देखो एक नेबरहुड हम बना रहे हैं, ये तो R2 में हो गया, चलो उसमें रियल लाइन में अगर कोई नेबरहुड बना रहे हैं तो जिसके करस्पोंडिंग नेबरहुड बना रहे हैं उसको हटा देंगे, तो उसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। आपने ऐसे सुना होगा ना, हम लोग ऐसे करते रहते हैं कि x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मान लो x माइनस एल लिख दिया, x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि l माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें l नहीं कंसिडर होगा, मतलब l नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू l नहीं लेंगे क्योंकि उसको हटा दिया हमने। और किसी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। सर कंडेंसेशन पॉइंट द लिमिट पॉइंट यू वाला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
क्या हुआ? एक कंडेंसेशन पॉइंट जो है ना वो तो लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए ए के अलावा. गुड 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 ऑब्जर्वेशन. गुड गुड ऑब्जर्वेशन. वहां से ये होगा मतलब एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज अ लिमिट, एवरी लिमिट पॉइंट भी नॉट बी कंडेंसेशन पॉइंट. हाँ ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं. ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए मैंने डिफाइन किया अभी. अगर फाई नहीं है तो बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है. अगर इनफाइनाइट है तो बोलेंगे लिमिट पॉइंट, एक्युमुलेशन पॉइंट, जो भी बोलना है लिमिट पॉइंट. और अगर अगर ये अनकाउंटेबल हो गया, अगर ये अनकाउंटेबल हो गया तो ये क्या हो गया? कंडेंसेशन पॉइंट हो गया. अब मान लेते हैं कि कोई सेट, कोई एक्स जो है वो ए का कंडेंसेशन पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट है, ठीक है. मतलब एक्स जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट है. तो एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, देख लो एक बार, देख लो फिर मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग देख लो एक बार. x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a के पास क्या होगा? अनकाउंटेबल पॉइंट्स होगा. तो अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट भी है ना एक तरह से. ये क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है इसके पास. तो अगर अनकाउंटेबल पॉइंट्स है तो इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स भी है, इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स भी है. मतलब x क्या बिलोंग करेगा? x जो है वो लिमिट पॉइंट में भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है. x जो है वो क्या करेगा? लिमिट पॉइंट में भी बिलोंग करेगा, बोलो, ठीक है. और अगर x लिमिट पॉइंट में बिलोंग करेगा, इनफाइनाइट है, तो वो नॉन एम्प्टी भी है, नॉन एम्प्टी भी है, तो वो क्या हो जाएगा? x जो है वो एडरेंट पॉइंट में बिलोंग करेगा. मैं भी नोटेशन लिखा दे रहा हूँ. a डैश जो है इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ a, पॉइंट्स ऑफ a. और a के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स, एडरेंट पॉइंट्स ऑफ a, ठीक है. और सी डी ऑफ ए को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कंडेंसेशन पॉइंट. कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है. तो अभी आप लोग देखो, अगर मान लेते हैं हम एक्स बिलोंग करता है कंडेंसेशन पॉइंट में ए में, और कंडेंसेशन किसमें कंटेंड है? लिमिट पॉइंट में. लिमिट पॉइंट किसमें? एडरेंट पॉइंट में, ठीक है. तो मतलब क्या है? ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा. किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी कोई डाउट बचता है तो बताइए. हेलो, हाँ बताइए. हेलो सर. हाँ सर, एडरेंट पॉइंट के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट भी तो आ जाएगा ना? एडरेंट पॉइंट के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट भी तो आ जाएगा. हाँ ठीक है, यही यही दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली में. आइसोलेटेड जो हम आइसोलेटेड पॉइंट्स जो होते हैं ना वो कंसीडर करते हैं हम एडरेंट पॉइंट में, बट आइसोलेटेड पॉइंट्स का जब तुम लिमिट पॉइंट निकालेंगे ना आप लोग, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं ना, ये इस वजह से गलत हो जाएगा. समझ पा रहे आप लोग? सर यहाँ जो हमने अभी पढ़ा जब जैसे मान लीजिए ए है कोई, एक एक मिनट देख लीजिए एक बार, ए बी सी लिया मैंने, कुछ भी फाइनाइट सेट ले लिया, ठीक है. अभी मैं कह रहा हूँ क्या कि ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए जो होगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा. कुछ भी एप्सिलॉन, कुछ भी डेल्टा ले लेते हैं, ए आ जाएगा. तो ये क्या है? नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट. समझ पा रहे हैं? एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है. अब भी मान लीजिए कि a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, डेल्टा विच एवर स्मॉल पॉसिबल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? फाई आ जाएगा. अगर मान लीजिए कि हम a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, c यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएं तो बन जाएगा ना. मतलब अगर हम एक मिनट यहाँ पे कुछ बनाए, सॉरी यहाँ पे कुछ बनाए और उसमें से a ही हटा दें, तो कोई भी सेट का एलिमेंट नहीं होगा, फाई हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? a इज नॉट लिमिट पॉइंट.
तो जो जो उल्टा वाला है ना वो जरूरी नहीं है वो होल्ड करे। अभी बताइए क्या पूछ रहे थे सर। मैं ये पूछ रहा था कि हमने अभी एडरेंट पॉइंट के बारे में पढ़ा, तो एडरेंट पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम क्या करते हैं इन मतलब जो हम ओपन इंटरवल बना रहे हैं उस सेट के हर पॉइंट का, तो जिस मतलब अगर किसी पॉइंट को हम एडरेंट पॉइंट कहेंगे तो उस पॉइंट के रिगार्ड में जो भी हम नेबरहुड बनाएंगे तो उस नेबरहुड के अंदर कम से कम उस सेट का एक पॉइंट होगा, है ना। वो उसमें ए भी हो सकता है और ए के अलावा और पॉइंट भी हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट की हमने बात की, लिमिट पॉइंट के अंदर ये कहा कि मतलब अलावा और पॉइंट होने चाहिए लेकिन उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। देखिए क्या होता है ना बहुत मतलब अगर आप बुक में पढ़ेंगे ना तो जब हम कोई ऐसा सेट बनाते हैं और ए माइनस ए करते हैं और अगर ये नॉन एम्प्टी आता है ठीक है, अगर इस सेट में हम कहेंगे ना कि यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट भी आ गया, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ए इज लिमिट पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट जैसे आएगा ना वो इनफाइनाइट पॉइंट को खींच के लाएगा। कोई दूसरा पॉइंट जैसे आएगा, मान लीजिए ए है, ए वन आ गया और ऐसा कुछ बना दिया आपने, तो मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट को खींच लेगा। मतलब एक भी पॉइंट यहाँ पे आता है ना तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब अगर आपका वो लिमिट पॉइंट ए को हटा करके आपने अगर ऐसा इंटरसेक्शन बनाया विच इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो वो पूरा का पूरा इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा, फिर वो एक पॉइंट नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है जी सर। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पॉइंट भी आया तो इनफाइनाइट पॉइंट को खींच के आएगा वो, उसका प्रॉपर एक तरीका है निकालने का कि क्यों कैसे खींच के लाते हैं वो। और कोई डाउट, आगे बढ़े? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिमिट पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग एडरेंट पॉइंट। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। A1 कोई पॉइंट आ गया तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल बोल सकते हैं सर? इनफाइनाइट पॉइंट्स आएगा, अनकाउंटेबल पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा इसका लॉजिक मुझे नहीं पता है, तो थोड़ा मैं देखूंगा फिर बताऊंगा आपको, है ना, पर वो इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा। ओके सर। ठीक है, मेरे हिसाब से अनकाउंटेबल पॉइंट्स आना चाहिए, देखना पड़ेगा, नहीं एक बार देखना पड़ेगा, कह नहीं सकते हैं, तो एक बार मैं देख के आपको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक? ठीक है, चलो थोड़ा हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या कहता है इसका, मतलब लिमिट पॉइंट का प्रॉपर्टी क्या क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर लेगा, तो इसका मतलब होगा कि ए हैव इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, फिर वो फाइनाइट सेट नहीं हो सकता, ए इज इनफाइनाइट सेट। अगर उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट है, कोई भी लिमिट पॉइंट है, तो वो इनफाइनाइट सेट को कंटेन करेगा, ठीक है, फाइनाइट सेट को नहीं करेगा। और अगर ए इज इनफाइनाइट, अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो बताओ, ए इज इनफाइनाइट सेट है तो क्या ये उल्टा सही है क्या, मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट उसका फाई नहीं हो सकता, ऐसा सही है क्या? मतलब इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट होंगे ही होंगे, नहीं ना, नेचुरल नंबर, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, जेड, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो इसका मतलब यहां से हम डायरेक्ट नहीं इंप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सबको थोड़ा जान के रख लो कि क्या इम्प्लाई कर सकते हैं। डज नॉट इम्प्लाई कि इसका इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू फाइव होगा। बाउंडेड होना चाहिए, गुड, बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है, तो इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट होता है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होता है। इनफाइनाइट सेट होता है और बाउंडेड सेट होता है तो क्या होता है, उसके पास लिमिट पॉइंट होता है। लिख लो उसको कि अगर ए इज इनफाइनाइट, ए इज इनफाइनाइट, ठीक है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, तो क्या होता है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्युमुलेशन पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट क्या करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं, मतलब एक ही जगह पे आकर के जम जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो पक्का क्या होगा, इसका
लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब फाई नहीं हो सकता। इसको क्यों, इसको क्या बोलते हैं, बोलजानो विस्टास। ठीक है, कहाँ से आ गया ये, बोलजानो विस्टास थ्योरम से। सर अगर हम सेट सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन नंबर की बात करें तो सेट ऑपरेशन नंबर लिमिट पॉइंट रख सकता, सेट ऑफ रैशनल नंबर, आप बताओ लिमिट पॉइंट रख सकता है क्या? सर जो डेफिनेशन आपने बताया इनफाइनाइट सेट, तो फिर तो नहीं रखेगा इसका, इसका पूरा का पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो भी लिमिट पॉइंट है ना वो पूरा का पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, तो सर हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर तो बाउंडेड नहीं है, सेट ऑफ रैशनल नंबर बाउंडेड नहीं है, तो मतलब ऐसा कहाँ लिखा कि बाउंडेड नहीं होगा तो लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा? मैंने क्या लिखा कि इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड है तो एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है। अनबाउंडेड है तो उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि अनबाउंडेड है। देखो n, n का बता दो मुझे क्या होगा लिमिट पॉइंट ऑफ अनबाउंडेड है जी सर, एग्जिस्ट करता है क्या इसका लिमिट पॉइंट? नो सर, नहीं करता है, तो नहीं कुछ कह पाएंगे ना क्यू एन, मतलब इसमें कोई कुछ नहीं कहेंगे, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो बस डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ क्लोज सेट का, देन फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी, इज सेट टू बी क्लोज सेट। देखो बेसिक है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप लोग अगर बेसिक पे थोड़ा सोच सोच के पढ़ोगे ना तो वो फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो आराम से होंगे। बेसिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा अपने आप को रोक लो, मतलब हड़बड़ाना नहीं है कि हमको आता है नहीं। एक बार हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, समझेंगे क्या है, क्या कुछ समझ पा रहे हैं या कुछ नया चीज मिल पा रहा है उसमें, उसके आसपास देखो, मतलब कोई भी एक टर्म पढ़ते हैं ना हम लोग, जब भी एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसके नेबरहुड में घूमने की कोशिश करो कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसके। अब वो सारे इम्प्लीकेशंस नहीं, जो सारे इम्प्लीकेशन आपको एज अ रिजल्ट पता है उसको नहीं, जब हम प्रूफ पढ़ते हैं ना, जब जैसे आप लोग कॉलेजेस में पढ़े होंगे प्रूफ, तो उसके हर एक लाइन का जो इम्प्लीकेशन होता है वो एक थॉट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, वो चीज़ आप अगर डेवलप नहीं करोगे ना तो देखो आपके पार्ट से के क्वेश्चंस कभी नहीं लगेंगे जो नेट में आते हैं। मतलब पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको डेवलप करना नहीं आया, आप कैसे सोच पा रहे हो, दो चार चीजों को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, कुछ यहाँ का चीज कुछ दूसरी जगह का चीज अगर आपको नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपसे वो क्वेश्चंस नहीं हैंडल होंगे। ठीक है, तो जब भी आप लोग पढ़ो बेसिक को मतलब बहुत ज्यादा इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कि हमको आता है आता है, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमें रिजल्ट पता है, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, कैसे आया नहीं पता। अगर कैसे आया पता है तो आपका सर सब क्वेश्चंस लगेगा, फिर कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो जो नहीं पता ना उसको ढूंढो कि कैसे आया, अगर आप उसको ढूंढोगे ना तो आपको बहुत कुछ उसमें समझ में आएगा, एंड फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा उस चीज़ का मतलब। फिर कुछ भी क्वेश्चंस घुमा के दे दें, देखो रियल लाइन में क्या रियल में क्या करना है, रियल में हमको हमेशा क्या क्या चीज़ पे कमांड करना है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो क्लोज सेट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को, जो फंक्शन होता है ना, अगर आप फंक्शन पे कमांड हो गया ना आपका, अच्छा जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शंस पूछे जाते हैं, अगर उस पर आपको कमांड है ना, अच्छा उसका नेचर पता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता है, उस कहाँ पे लिमिट जाने पे कहाँ पे जा रहा है वो, अगर ये पता है तो आपको रियल में बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिमिट पता करना कि लिमिट क्या है, और दूसरा फंक्शन। अगर आपको ये दो चीज पता है फिर आपको सब कुछ पता है, मतलब फिर आप हर चीज निकाल पाओगे, क्योंकि जो भी चीज घूमता है वो लिमिट और फंक्शन के बीच अराउंड ही घूमता रहता है। ठीक है, तो जो भी कभी भी कोई नया फंक्शन मिले ना तो उसको उसको सीखने की कोशिश करना है कि ये फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, उसका लिमिट क्या है। और जो भी हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं ना, तो रिजल्ट के साथ साथ हम उसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के पढ़ेंगे, ताकि लॉजिक देखेंगे उसका कि लॉजिक क्या कहता है। अगर लॉजिकली हम उसको समझ पा रहे ना तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। अगर लॉजिकली नहीं समझ पा रहे केवल पता है हमको, तो उससे नहीं चलेगा काम। थोड़ा सा घुमा दिया ना तो आपको नहीं पता चलेगा वो चीज़, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ अगर आप लोग करोगे तो रियल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। रियल में बहुत ज़्यादा वो चाहिए, मतलब मेहनत चाहिए। अगर रियल में मेहनत करोगे तभी रियल पे मार्क्स उठा पाओगे। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में देखो क्या क्या पूछता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव पूछता है, पार्शियल डेरिवेटिव पूछता है, डिफरेंशियबिलिटी पूछता है। अब वहाँ की डिफरेंशियबिलिटी और आर की डिफरेंशियबिलिटी एकदम डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच है, बी बी
बी प्लस के है माइनस एफ ऑफ ए बी है, एंड देन फिर आपका एच ऑफ एफ एक्स है प्लस के ऑफ एफ वाई है, फिर कोई फंक्शन बनाते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी ये फाई ऑफ एच के अगर जीरो हो गया तब हम बोल देंगे कि हाँ डिफरेंशियबल हो गया। तो अभी देखो कितना अलग अलग तरीका है, तो कमांड करना है ना तो सब कुछ पे काम करना पड़ेगा, सब कुछ पे काम करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ट्राई टू चेंज योर हैबिट, ट्राई टू चेंज योर रिसोर्सेज, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हैबिट में, हैबिट चेंज, हैबिट अच्छा है ठीक है, पर हैबिट में क्या चेंज करना है कि जो चीज़ें नहीं पता है उनको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है, जो चीज़ें पता है उसको रिवाइज करना है, जो चीज़ें नहीं पता है उसको इंक्लूड करना है। अगर ये सब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब करोगे तो निकलेगा एकदम। किसी कुछ पूछना है आज की क्लास के रिकॉर्डिंग, डाउट,